और यात्रा करेंगे और वहाँ खड़े हो जाए तो बढ़िया तरीके, ठीक है ना, हिंदी में। देखिए आज
भारतीय बौद्ध भाषा उत्तर प्रदेश पंजीकरण के संरक्षण में शाखा मेरठ के तत्वाधान में ये बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप सभी लोगों ने अपने जीवन में उस महामंत्र को धारण किया है जिस महामंत्र को समग्र मानवता के कल्याण के लिए आज से 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने अपने पवित्र मुख से उच्चारण किया, जिसको पाली भाषा में जिसका उच्चारण किया गया, क्योंकि उस समय की जो मातृभाषा थी वो पाली भाषा थी। तथागत बुद्ध ने जो भी संदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। उसी पाली भाषा में आप लोगों ने नैतिकता की परिचायक तीन स्थान पंक्षी को धारण किया। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने कहा नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि मैं नमन करता हूँ पूर्ण तथागत गौतम बुद्ध। देखिए अभी मैं देख रहा था कि लोग जो उच्चारण कर रहे थे वो कर रहे थे नमो तस्य, तस्य ये लगे वो से का उसमें बिगड़ जाता है। तो मैं नमन करता हूँ तथागत बुद्ध। तो देखिए मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, बुद्ध किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहते, बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो बहुजनिताय हो, बहुजनिताय हो, सर्वदेशी हो, सर्वकालिक हो, जो आज में भी कल्याणकारी हो, मध्य में भी कल्याणकारी हो और अंत में भी कल्याणकारी हो, ऐसे उत्तम ज्ञान को वो भी कहते हैं। महाराजा सिद्धोदन के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने बड़ा ही कठिन परिश्रम करके, बड़ी मेहनत करके, बड़ा त्याग और तप करने के बाद उस उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया जो मन वाणी और शरीर को परिशुद्ध करने वाला था। तो सबसे पहले आप लोगों ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि बुद्ध को नमन करता हूं, तो तथागत मतलब सिद्धार्थ गौतम को जब उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके मुख से भी निकला था, क्या निकला था, बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं किसी व्यक्ति की शरण में नहीं जा रहा, मैं उस उत्तम ज्ञान की शरण जाता हूं जो श्रेष्ठ ज्ञान। जब उनके मुख से ये निकला कि मैं उत्तम ज्ञान की शरण जाता हूं, तो दूसरा उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म कहते हैं दुख मुक्ति का मार्ग, जिस मार्ग पर चल करके नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है, ऐसे मार्ग की शरण जाता हूं। ऐसे लोगों की संगति करूंगा जो श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त हो, जो धर्म का आचरण करते हो, ऐसे पवित्र संघ की स्थापना करूंगा। कहा संघ संरक्षण के लिए ऐसे संघ की संरक्षण करता हूं। जब तथागत से ये पूछा गया कि इस संघ में आपका क्या स्थान है, तो तथागत ने कहा संघ मैं भी संघ का ही सदस्य हूं, मेरा भी अपना कोई स्थान नहीं है, मैं भी एक संघ का ही सदस्य हूं। और जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वही संघ का सदस्य होता है। आगे कहा पाणा भी पाता दे रखनी शिक्षा पदन सना ज्ञानी,
संसार में प्राण सबको प्रिय होते हैं, दुख सबको बुरा लगता है, मृत्यु से सब घबराते हैं। जो इस संसार में पैदा हुआ है वो जीवित रहना चाहता है, इसलिए मैं अकार में किसी की हत्या नहीं करूंगा, मैं अकार में किसी को कष्ट नहीं दूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूं। इस विषय पर महाराजा प्रसेनजीत का सेनापति था श्री कृष्ण ने यह प्रश्न किया था कि तथागत आप ये कहते हैं कि मैं हिंसा नहीं करूं।